राम मंदिर लाए हैं, हम उनको लेके आएंगे इस बार। जेएनयू में आज फ्री में दाल रोटी खा रहे हैं, ये जेएनयू भी बंद होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का जन्म हो चुका है हमारी धरती में, कलयुग में राम का अवतार हो चुका है। क्या उनकी सोच है, कहाँ तिवारी जी की सोच, कहाँ मोदी जी की सोच जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, और कहाँ कन्हैया जैसे उम्मीदवार की सोच। पहले तो वो कहता था अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तक ये मोदी ने अपना एक घर भी नहीं है जिसका, हर प्रकार से जिसने त्याग किया है वो केवल मोदी है। नारे लगाए देश के खिलाफ, तो ऐसे कन्हैया कुमार को हम वोट क्यों दें। प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है, उसको तहजीब नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या तू तड़ा किस शब्द वो इस्तेमाल करता है। आज सांसद मनोज तिवारी जी का नामांकन भरने जा रहे हैं, और जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर यूथ जमा हुआ है, और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मनोज तिवारी जी का समर्थन कर रहे हैं। पहले तो सब भाइयों को जय श्री राम। मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं और होंगे आगे भी, समर्थन हर तरीके से है, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। जो राम मंदिर लाए हैं हम उनको लेके आएंगे इस बार, सारे जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। तो कन्हैया कुमार का क्या होने वाला है इस बार? कन्हैया कुमार ना पहले कुछ है, ना अब कुछ रहेंगे, ना कुछ बन पाएंगे आगे। हाँ जी, आज सांसद मनोज तिवारी जी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, और भारी संख्या में जगह जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए, और यहाँ से कन्हैया कुमार भी खड़े हो रहे हैं, तो कितना उनका आगे रहेगा? टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मनोज तिवारी जी भारी बहुमत से 5 लाख पार से जीत रहे हैं। वो कन्हैया कुमार है जो हमारे सैनिकों पर आरोप लगाता है कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं हमारे सैनिक, ऐसे को कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बना रही है, उसे डूब मरना चाहिए। कांग्रेस पहले 70 साल से देश को बर्बाद करती आई है, और अब तो बिल्कुल मटिया मेट कर दिया उनने। मोदी और तिवारी जी हमारे एक मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हम सब तिवारी जी के साथ उनके नामांकन में कदम ताल बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और हमारी उत्तरी पूर्वी की जो युवा हैं सारे, वो कन्हैया कुमार को भारी बहुमत से हराने जा रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने एक टुकड़े टुकड़े गैंग, एक देश विरोधी कसाब को जब फांसी दी गई, उसने हमारे सैनिकों को मारा, उसका विरोध न करने के कारण जेएनयू में आज फ्री में दाल रोटी खा रहे हैं। ये जेएनयू भी बंद होना चाहिए, और देश का माल खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की जितनी बुराई करूं, जितनी भर्त्सना करूं, कम है। और हमारे उत्तर पूर्व के युवा तिवारी जी के साथ हैं, 5 लाख पार से जिताएंगे, 400 पार, फिर मोदी सरकार। क्या कहना चाहते हैं? हम तो जी राम मंदिर बनवाया बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार का ही समर्थन करेंगे, मनोज तिवारी को ही जिताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर यूथ इकट्ठा हुआ है, और मनोज तिवारी जी को ये पूर्ण बहुमत पूर्ण समर्थन से जिताना चाहते हैं। लगातार नारा लग रहा है तीसरी बार मनोज तिवारी, कितना जन समर्थन लग रहा है इस बार मनोज तिवारी जी के लिए? देखिए, मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र की न केवल सेवा की है, बल्कि उनका जो व्यवहार, उनका जो मृदुल व्यवहार, उनका सब जो मेल जोल का ढंग है वो सबसे न्यारा है। देखिए, कन्हैया कुमार का जहाँ तक सवाल है, एक तो व्यक्ति होता है कि तुलना की जाती है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जिसके ऊपर एक तमगा लगा हो, जिसके ऊपर ये तमगा लगा है कि वो देश के टुकड़े चाहता है, वो नहीं चाहता भारत की एकता, तो ऐसे लोगों को भारत की जनता क्या, कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। वो तो केवल अपनी इसी बात में सफाई देते 20 दिन या 15 दिन गुजार देगा कि मैं ये नहीं था, मैं वो नहीं था, लेकिन सब जानते हैं, सबको पता है कि कन्हैया का क्या एक ढंग है उनका राजनीति करने का, क्या उनकी सोच है, कहाँ तिवारी जी की सोच, कहाँ मोदी जी की सोच जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, और कहाँ कन्हैया जैसे उम्मीदवार की सोच। मैं समझता हूँ कि कन्हैया जी इस मामले में कहीं नहीं ठहरते, और जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लिया जाता है, क्या लगता है टुकड़े गैंग का? टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ मुझे लगता है दुर्भाग्य है कांग्रेस का। कांग्रेस को कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिला, ऐसा प्रत्याशी दिया जो देश को तोड़ना चाहता है, ऐसे प्रत्याशी को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। और इस बार तो मनोज तिवारी जी 5 लाख मतों से अधिक वोटों से जीतेंगे। देखो, कन्हैया कुमार जी को जो उन्होंने टिकट दिया है,
पहले तो वो कहता था अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे देश के गद्दार को टिकट दिया है कांग्रेस आम पार्टी ने मिलकर, ये कब कहीं नहीं बैठता। और भगवान की कृपा है 400 पार हमारी सीट आवेगी और मनोज तिवारी जी कम से कम 5-5.5 लाख वोट टू सजेंगे। तीसरी बारी मनोज तिवारी, मनोज तिवारी ने बहुत बढ़िया काम किया, पूरे सबको लेकर चल रहे हैं और आपके जो है ना 400 पार।